आपको पता नहीं होगा, लेकिन आपकी स्टार्टअप की असली सफलता सिर्फ आपके आइडिया पर निर्भर नहीं करती। द लीन स्टार्टअप एक ऐसा तरीका बताती है जिससे आप बिना बड़ी लागत के और कम से कम संसाधनों में भी अपनी स्टार्टअप को टॉप पर ले जा सकते हैं। इस किताब में छिपा है वो राज जो हर उद्यमी को जानना जरूरी है। क्या आपको पता है आप गलत दिशा में तो नहीं जा रहे? अगर हाँ, तो ये रणनीति आपकी स्टार्टअप को बर्बादी से बचा सकती है। हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल बिलीव इन बुक्स पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग स्टार्टअप से रिलेटेड बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, मैं आपसे वादा करता हूँ आपको इस वीडियो में बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। दोस्तों, मैं आपको एक डार्क रियलिटी बताऊं, ज्यादातर लोगों को ऐसी वीडियो देखने में मजा ही नहीं आता जो कि उसके लिए एक इन्फॉर्मेटिव साबित हो। मतलब ये है, ज्यादा लोगों को ऐसे वीडियो पसंद आती है जो कि उसे कोई लेना देना नहीं होता। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये YouTube है, YouTube पर हम लोगों को कुछ ऐसी बातें को सुननी या देखनी चाहिए जो कि हम लोगों को कुछ नया सिखाती है। चलिए दोस्तों, आपका कीमती बस जाया ना करते हुए हम लोग इस पुस्तक के बारे में बात करते हैं। इस पुस्तक को 5 भागों में बांटा गया है और हम प्रत्येक भाग को अच्छे से समझेंगे। भाग एक, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट MVP। यह एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो द लीन स्टार्टअप में एरिक रीस द्वारा प्रस्तुत की गई है। इसका उद्देश्य है किसी नए उत्पाद या सेवा का सबसे बुनियादी संस्करण बनाना जो केवल उन मुख्य विशेषताओं को शामिल करता हो जिनसे ग्राहक की समस्याएं हल हो सके और इससे आपको जल्दी से ग्राहकों की प्रतिक्रिया मिल सके। MVP की विस्तृत व्याख्या, परिभाषा और उद्देश्य। MVP का मतलब है न्यूनतम उपयुक्त उत्पाद। यह उत्पाद का सबसे सरल और प्रारंभिक संस्करण होता है जिसे कम से कम समय और संसाधनों के साथ तैयार किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्राहकों की आवश्यकताओं और बाजार में उसकी मांग का परीक्षण करना होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि उत्पाद अधूरा हो, बल्कि उत्पाद इतना सक्षम हो कि वह ग्राहकों की मूल समस्याओं को हल कर सके और उनकी जरूरतों को पूरा कर सके। MVP क्यों आवश्यक है? कई बार स्टार्टअप्स बड़े विचारों के साथ शुरुआत करते हैं और एक परफेक्ट प्रोडक्ट बनाने में बहुत समय और पैसे खर्च करते हैं। इस दौरान वे बाजार की वास्तविक मांग और ग्राहकों की पसंद नापसंद को नजरअंदाज कर देते हैं। इससे अंततः उत्पाद फेल हो सकता है। MVP आपको जल्दी से बाजार में प्रवेश करने और बिना ज्यादा जोखिम के ग्राहक की प्रतिक्रिया प्राप्त करने में मदद करता है। इससे आप तुरंत यह जान सकते हैं कि आपका उत्पाद काम करेगा या नहीं। MVP की रणनीति। MVP की रणनीति में सबसे पहले एक ऐसे उत्पाद का निर्माण करना शामिल होता है जो बुनियादी कार्यक्षमताओं को पूरा करता हो। इस उत्पाद को जितनी जल्दी हो सके बाजार में लाया जाता है ताकि आप असली ग्राहकों से तुरंत फीडबैक प्राप्त कर सकें। इसके बाद इस फीडबैक के आधार पर उत्पाद में सुधार किए जाते हैं और इसे धीरे धीरे बेहतर बनाया जाता है। इससे आप उन फीचर्स पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो वास्तव में ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण है, बजाय इसके कि शुरू से ही एक परफेक्ट प्रोडक्ट बनाने की कोशिश की जाए। MVP कैसे काम करता है? सबसे पहले आप उस समस्या की पहचान करते हैं जिसे आपका उत्पाद हल करेगा। फिर आप इस समस्या के समाधान के लिए एक बेसिक और न्यूनतम फीचर्स वाला उत्पाद बनाते हैं। इसके बाद इस उत्पाद को जल्दी से बाजार में पेश करते हैं और ग्राहकों की प्रतिक्रिया प्राप्त करते हैं। आप यह पता लगाते हैं कि कौन से फीचर्स सबसे ज्यादा उपयोगी हैं और कौन से बेकार हैं। अंत में आप इस फीडबैक के आधार पर अपने उत्पाद में आवश्यक सुधार और बदलाव करते हैं। MVP के फायदे। तेजी से फीडबैक। MVP आपको वास्तविक ग्राहकों से जल्दी फीडबैक प्राप्त करने का मौका देता है। इससे आप अपने उत्पाद को बाजार की मांग के अनुसार तेजी से अनुकूलित कर सकते हैं। कम लागत और समय, क्योंकि MVP में केवल आवश्यक फीचर्स होते हैं, इसे तैयार करने में कम लागत और समय लगता है जिससे रिसोर्स की बचत होती है। बाजार के अनुरूप सुधार। MVP के जरिए आपको यह जानने का मौका मिलता है कि बाजार आपके उत्पाद को कैसे स्वीकार करेगा। आप ग्राहकों की जरूरतों को समझकर अपने उत्पाद को उनके हिसाब से सुधार सकते हैं। विफलता से बचाव।
एमवीपी के इस्तेमाल से अगर आपका प्रोडक्ट असफल होता है तो नुकसान कम होता है, क्योंकि आपने पूरे संसाधन और समय नहीं लगाया होता। इससे आप जल्दी से नई रणनीति बना सकते हैं। उदाहरण, ड्रॉपबॉक्स। जब ड्रॉपबॉक्स के संस्थापक ड्रू ह्यूस्टन ने अपनी कंपनी शुरू की तो उन्होंने पहले एक वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने दिखाया कि उनका सॉफ्टवेयर कैसे काम करेगा। उन्होंने एक वास्तविक प्रोडक्ट बनाने से पहले इस वीडियो को लोगों को दिखाया और उनकी प्रतिक्रिया ली। इस प्रक्रिया ने उन्हें यह जानने में मदद की कि लोग वास्तव में उनके आइडिया में रुचि रखते हैं या नहीं। वीडियो के सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने के बाद उन्होंने असली प्रोडक्ट पर काम शुरू किया। ज़ैपोस। ज़ैपोस एक ई-कॉमर्स कंपनी है जो जूते बेचती है। इसके संस्थापक निक स्विनमर्न ने शुरू में एक वेबसाइट बनाई जिसमें उन्होंने जूते की तस्वीरें डाली, लेकिन उन्होंने वास्तव में स्टॉक में जूते नहीं रखे। अगर किसी ग्राहक ने ऑर्डर दिया तो वह पास की दुकान से जाकर जूते खरीदते और उन्हें डिलीवर करते। यह एक प्रकार का एमवीपी था जिससे उन्होंने यह देखा कि क्या लोग ऑनलाइन जूते खरीदने के लिए तैयार हैं या नहीं। एमवीपी की चुनौतियां। अधूरा या घटिया प्रोडक्ट। कई बार स्टार्टअप्स एमवीपी को बहुत बेसिक बना देते हैं जिससे यह अधूरा या बेकार लगता है। इससे ग्राहकों को अच्छा अनुभव नहीं मिलता और वे प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर सकते हैं। फीडबैक का सही इस्तेमाल। एमवीपी के बाद मिलने वाले फीडबैक को सही ढंग से समझना और उसके आधार पर सुधार करना बहुत जरूरी है। गलत फीडबैक के आधार पर उत्पाद को गलत दिशा में ले जाना खतरनाक हो सकता है। ग्राहकों की प्राथमिकताएं। कई बार ग्राहकों की प्राथमिकताएं बदलती रहती हैं, इसलिए एमवीपी के बाद मार्केट में तेजी से बदलाव करने की जरूरत होती है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि आपका उत्पाद बाजार की मांग के अनुसार अद्यतन हो। एमवीपी का भविष्य और विकास। एक बार एमवीपी को बाजार में पेश कर दिया जाता है तो उसका विकास फीडबैक के आधार पर होता है। जैसे जैसे आप ग्राहकों की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से समझते हैं, आप अधिक फीचर्स और सुधार जोड़ते हैं। इस प्रकार एमवीपी आपके पूर्ण विकसित उत्पाद की ओर पहला कदम होता है। एमवीपी को विकसित करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि यह ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाए और बाजार की बदलती परिस्थितियों के अनुसार तेजी से अपडेट हो। निष्कर्ष। मिनिमम वायबल प्रोडक्ट एमवीपी एक शक्तिशाली तरीका है जो स्टार्टअप्स को तेजी से मार्केट में प्रवेश करने, ग्राहक फीडबैक पाने और बिना ज्यादा रिसोर्सेज बर्बाद किए अपने उत्पाद को सफल बनाने में मदद करता है। एमवीपी की अवधारणा नए उद्यमियों और बिजनेस के लिए महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इससे आप कम लागत और समय में यह समझ सकते हैं कि आपका आइडिया बाजार में टिक पाएगा या नहीं, और उस आधार पर अपने उत्पाद को बेहतर बना सकते हैं। भाग दो, वैलिडेटेड लर्निंग, सत्यापित सीखना। यह एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जिसे एरिक रीस ने अपनी पुस्तक द लीन स्टार्टअप में प्रस्तुत किया है। इसका उद्देश्य है यह सीखना कि आपके द्वारा निर्मित उत्पाद या सेवा आपके ग्राहकों की जरूरतों को पूरा कर रही है या नहीं, और यह सब वास्तविक डेटा और फीडबैक के आधार पर किया जाता है। वैलिडेटेड लर्निंग, सत्यापित सीखना। परिभाषा और उद्देश्य। वैलिडेटेड लर्निंग का मतलब है किसी बिजनेस आइडिया या उत्पाद को इस तरह से विकसित करना कि आप वास्तविक आंकड़ों के आधार पर यह साबित कर सकें कि आप जो कर रहे हैं वह ग्राहकों के लिए फायदेमंद है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कंपनी लगातार परीक्षण करती है कि उसका उत्पाद ग्राहकों की समस्याओं को हल कर रहा है या नहीं, और इस प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त की गई जानकारी को वैलिडेटेड यानी प्रमाणित किया जाता है। वैलिडेटेड लर्निंग का मुख्य उद्देश्य केवल यह सीखना नहीं है कि आपका उत्पाद कैसे काम कर रहा है, बल्कि यह सीखना है कि क्या आपका उत्पाद वास्तव में ग्राहकों के लिए मूल्यवान है और क्या वह आपकी कंपनी को आगे बढ़ा सकता है। वैलिडेटेड लर्निंग क्यों जरूरी है? परंपरागत बिजनेस मॉडल में यह मान लिया जाता है कि कंपनी जो कुछ बना रही है वह ग्राहकों के लिए उपयोगी होगा, लेकिन कई बार यह सिद्धांत गलत साबित होता है। वैलिडेटेड लर्निंग इस समस्या से बचने के लिए है। इसमें निर्णय केवल सिद्धांतों या धारणाओं पर आधारित नहीं होते, बल्कि डेटा के आधार पर लिए जाते हैं। इस प्रक्रिया से कंपनियां वास्तविक समय में जान सकती हैं कि उनका उत्पाद ग्राहकों के लिए कितना उपयोगी है। इससे बिजनेस को ज्यादा समय और पैसे बर्बाद किए बिना अपने उत्पाद में बदलाव करने और बेहतर निर्णय लेने का मौका मिलता है। वैलिडेटेड लर्निंग के फायदे। तेजी से प्रतिक्रिया।
आप जल्दी से यह जान सकते हैं कि आपका उत्पाद ग्राहकों के लिए उपयोगी है या नहीं और उसी के आधार पर तुरंत सुधार कर सकते हैं। कम जोखिम वैलिडेटेड लर्निंग के जरिए आप बिना बड़े निवेश या रिस्क के अपने बिजनेस आइडिया की वैधता को परख सकते हैं। डेटा आधारित निर्णय, इस प्रक्रिया के माध्यम से आप केवल धारणाओं पर नहीं बल्कि वास्तविक आंकड़ों के आधार पर निर्णय लेते हैं जो बिजनेस को सही दिशा में ले जाने में मदद करता है। ग्राहकों की जरूरतें समझना, वैलिडेटेड लर्निंग आपको ग्राहकों की असली जरूरतें और उनकी प्राथमिकताओं को बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है जिससे आप उन्हें बेहतर उत्पाद दे सकते हैं। वैलिडेटेड लर्निंग की चुनौतियां, गलत डेटा का इस्तेमाल। अगर आप गलत या अपूर्ण डेटा पर भरोसा करते हैं तो आपके निष्कर्ष भी गलत हो सकते हैं, इसलिए डेटा को सही तरीके से एकत्रित करना और उसका सही विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। परिकल्पना की गलत व्याख्या, कई बार स्टार्टअप्स यह मानते हैं कि उन्होंने सही निष्कर्ष निकाला है लेकिन वे ग्राहकों की प्रतिक्रिया को सही तरीके से समझ नहीं पाते, इससे उत्पाद का विकास गलत दिशा में जा सकता है। समय और धैर्य की कमी, वैलिडेटेड लर्निंग एक सतत प्रक्रिया है। कई बार स्टार्टअप्स जल्दी में होते हैं और बिना पर्याप्त डेटा के आगे बढ़ जाते हैं जिससे गलत निर्णय लिए जाते हैं। उदाहरण, ए ड्रॉपबॉक्स। जब ड्रॉपबॉक्स लॉन्च किया गया तो इसके संस्थापक ने पहले एक MVP बनाया। वे यह देखना चाहते थे कि क्या लोग वास्तव में इस फाइल शेयरिंग सर्विस का इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने पहले एक सरल वीडियो बनाया जिसमें यह दिखाया गया कि यह कैसे काम करेगा। इस वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया ने उन्हें ग्राहकों की रुचियों के बारे में वास्तविक जानकारी दी जिससे उन्होंने सीखा कि उनके आइडिया में काफी क्षमता है। बी ज़ैपोस। ज़ैपोस के संस्थापक निक स्विनमर ने यह देखने के लिए पहले एक वेबसाइट बनाई थी जहां उन्होंने जूतों की तस्वीरें पोस्ट की लेकिन उनके पास कोई स्टॉक नहीं था। जब ग्राहक ऑर्डर देते तो वे स्थानीय दुकानों से जूते खरीदते और ग्राहकों को भेजते। इससे उन्हें यह समझने में मदद मिली कि क्या लोग वास्तव में ऑनलाइन जूते खरीदना चाहेंगे या नहीं। इस तरह उन्होंने वैलिडेटेड लर्निंग किया और समझा कि उनके व्यवसाय का मॉडल काम करेगा। निष्कर्ष, वैलिडेटेड लर्निंग सत्यापित सीखना का मुख्य उद्देश्य वास्तविक डेटा और फीडबैक के आधार पर बिजनेस के हर कदम को सत्यापित करना है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि स्टार्टअप्स अपनी धारणाओं के आधार पर नहीं बल्कि वास्तविक ग्राहकों की जरूरतों के अनुसार अपने उत्पादों और सेवाओं का विकास कर सकें। वैलिडेटेड लर्निंग स्टार्टअप्स को तेजी से आगे बढ़ने, कम रिस्क लेने और ग्राहकों के साथ सही तालमेल बिठाने में मदद करता है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मेरा चैनल काफी ज्यादा डाउन जा रहा है तो इस वजह से मेरे को काफी डिमोटिवेशन फील हो रहा है। दोस्तों, मैं आपसे यह नहीं कह रहा हूं कि मुझको आप लोग पैसे दो, ना ही मैं आपसे यह कहूंगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बल्कि हो सके तो आप लोग एक प्यारा सा मोटिवेशनल कमेंट कर देना ताकि आगे मैं वीडियो बनाता रहूं। भाग 3, बिल्ड मेजर लर्न, निर्माण मापन सीखना। एरिक रीस की पुस्तक द लीन स्टार्टअप की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। यह एक चक्र है जो स्टार्टअप्स को तेजी से उत्पाद या सेवा विकसित करने और उसे लगातार बेहतर बनाने की प्रक्रिया प्रदान करता है। इस मॉडल के 3 मुख्य चरण होते हैं, निर्माण, मापन और सीखना। आइए इन चरणों को विस्तार से समझें। निर्माण, बिल्ड। इस चरण में आपको एक विचार या परिकल्पना, हाइपोथेसिस, को एक वास्तविक उत्पाद में बदलना होता है। इस उत्पाद को अक्सर MVP, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट कहा जाता है, जिसका मतलब है कि यह उत्पाद सबसे सरल और आवश्यक विशेषताओं वाला होता है ताकि इसे जल्दी से बाजार में उतारा जा सके। उद्देश्य, इस चरण में आपको यह परखने का अवसर मिलता है कि आपके ग्राहक आपके उत्पाद को कैसे उपयोग करते हैं। उदाहरण, अगर आप एक मोबाइल ऐप बना रहे हैं तो शुरुआती चरण में आपको सबसे जरूरी फीचर्स के साथ एक साधारण ऐप बनाना चाहिए जिसे लोग तुरंत इस्तेमाल कर सकें। मापन, मेजर। इस चरण में आप अपने MVP के उपयोग से एकत्र किए गए डेटा का विश्लेषण करते हैं। यह मापन महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह आपके उत्पाद की सफलता या विफलता को निर्धारित करता है। मापन से आपको यह जानकारी मिलती है कि ग्राहकों ने किस प्रकार से आपके उत्पाद का उपयोग किया और किन क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है। उद्देश्य, मापन के माध्यम से आप यह समझ सकते हैं कि आपके उत्पाद के कौन से पहलू काम कर रहे हैं और कौन से नहीं।
इस चरण में यह सुनिश्चित किया जाता है कि आप केवल धारणाओं के आधार पर नहीं बल्कि वास्तविक आंकड़ों के आधार पर निर्णय ले रहे हैं। उदाहरण, यदि आप देखते हैं कि लोग आपके ऐप के कुछ फीचर्स का अधिक उपयोग कर रहे हैं और कुछ का नहीं, तो आप यह निर्णय ले सकते हैं कि किस फीचर को सुधारने या हटाने की आवश्यकता है। सीखना, लर्न। इस चरण में आप मापे गए डेटा के आधार पर सीखते हैं। आपको यह निर्णय लेना होता है कि क्या आपका उत्पाद बाजार में सफल हो रहा है या इसे किसी तरह से बदलने की जरूरत है। इसे पाइवोट या पसेवियर का निर्णय कहा जाता है, जिसका मतलब है कि आपको तय करना होता है कि आप उसी रास्ते पर आगे बढ़ेंगे या फिर अपनी दिशा बदलेंगे। उद्देश्य, इस चरण का उद्देश्य यह सीखना है कि ग्राहक आपके उत्पाद के बारे में क्या सोचते हैं और क्या इसे सुधारने की जरूरत है। उदाहरण, यदि आपने देखा कि ग्राहकों को आपके ऐप का एक विशेष फीचर पसंद नहीं आया, तो आप या तो इसे हटा सकते हैं पाइवोट, या इसे सुधारने का प्रयास कर सकते हैं पर्सेवियर। बिल्ड मेजर लर्न चक्र का महत्व। तेजी से प्रतिक्रिया प्राप्त करना। यह चक्र सुनिश्चित करता है कि आप तेजी से प्रयोग कर सकते हैं, फीडबैक प्राप्त कर सकते हैं और इसे अपने उत्पाद में लागू कर सकते हैं। इससे उत्पाद को ग्राहकों की जरूरतों के अनुसार तेजी से अनुकूलित किया जा सकता है। कम समय में अधिक सुधार। चूंकि यह चक्र लगातार चलता है, आप कम समय में अपने उत्पाद में कई छोटे छोटे सुधार कर सकते हैं। ध्यान केंद्रित विकास। आप केवल उन्हीं पहलुओं पर ध्यान देते हैं जो ग्राहकों के लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है। इससे आप अपने उत्पाद को तेजी से बाजार में फिट कर सकते हैं। उदाहरण, ड्रॉपबॉक्स ने पहले अपने फाइल शेयरिंग सिस्टम का एक साधारण प्रोटोटाइप बनाया बिल्ड, फिर इसे उपयोगकर्ताओं के एक छोटे समूह में परीक्षण के लिए भेजा मेजर, और उपयोगकर्ताओं से प्राप्त फीडबैक के आधार पर अपने उत्पाद को बेहतर बनाया लर्न। इसी तरह जैपोस ने जूतों की ऑनलाइन बिक्री के अपने आइडिया का परीक्षण करने के लिए सबसे पहले एक साधारण वेबसाइट लॉन्च की बिल्ड, फिर उपयोगकर्ताओं की प्रतिक्रियाओं और बिक्री आंकड़ों का विश्लेषण किया मेजर, और अंततः अपने बिजनेस मॉडल को विकसित किया लर्न। निष्कर्ष, बिल्ड मेजर लर्न चक्र स्टार्टअप्स के लिए एक आवश्यक प्रक्रिया है जिससे वे अपनी परिकल्पनाओं को जल्दी से परख सकते हैं, माप सकते हैं और सीख सकते हैं। इस चक्र का उपयोग करके कंपनियां अधिक प्रभावी ढंग से और कम समय में अपने उत्पादों को ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित कर सकती हैं। भाग 4, पाइवोट और पर्सेवियर, पिवट या जारी रखें। एरिक रीस की पुस्तक द लीन स्टार्टअप का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह उस बिंदु पर पहुंचने के बारे में है जब एक स्टार्टअप को यह निर्णय लेना होता है कि क्या उसे अपने मौजूदा बिजनेस मॉडल, उत्पाद या रणनीति के साथ आगे बढ़ना चाहिए पर्सेवियर, या फिर दिशा बदलनी चाहिए पाइवोट, ताकि वह अधिक प्रभावी रूप से सफल हो सके। यह निर्णय बिल्ड मेजर लर्न चक्र के बाद लिए गए डेटा और सीख पर आधारित होता है। पाइवोट। पाइवोट का मतलब है कि जब आपका उत्पाद, सेवा या बिजनेस मॉडल ग्राहकों की उम्मीदों और जरूरतों को पूरा नहीं कर रहा हो, तो आपको इसमें एक बड़ा बदलाव करने की जरूरत होती है। पिवट करते समय आप पूरी तरह से अपनी परिकल्पना बदलते हैं या इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन करते हैं, लेकिन आपके लक्ष्य और मिशन में बदलाव नहीं होता। पाइवोट के मुख्य पहलू। समस्या या समाधान में बदलाव। यह तय करना कि आपकी मौजूदा समस्या हल हो रही है या नहीं। अगर आपकी उत्पाद रणनीति गलत साबित हो रही है, तो आपको समस्या या उसके समाधान में बदलाव करना पड़ता है। उत्पाद के कुछ हिस्सों में बदलाव। हो सकता है कि आपका उत्पाद पूरी तरह से काम न कर रहा हो, लेकिन इसके कुछ हिस्से उपयोगी हों। ऐसे में आप उन हिस्सों को बदल सकते हैं जो काम नहीं कर रहे। व्यवसाय मॉडल में बदलाव। यदि आपका राजस्व मॉडल काम नहीं कर रहा, तो आप अपने व्यवसाय मॉडल में बदलाव कर सकते हैं, जैसे कि सब्सक्रिप्शन मॉडल से सीधे बिक्री मॉडल पर जाना। टारगेट कस्टमर बदलना। कभी कभी आपकी परिकल्पना सही होती है, लेकिन आपने गलत ग्राहक समूह को टारगेट किया होता है। ऐसी स्थिति में आप नए ग्राहक समूह पर ध्यान केंद्रित करते हैं। पाइवोट का उदाहरण, इंस्टाग्राम की शुरुआत एक ऐप बर्बन के रूप में हुई थी जो कई फीचर्स देता था, लेकिन जब यह नहीं चला तो उन्होंने केवल फोटो शेयरिंग फीचर पर ध्यान केंद्रित किया और पिवट करके इसे एक सफल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना दिया। पाइवोट के प्रकार। जूम इन पाइवोट।
इसमें आप अपने उत्पाद के केवल एक फीचर पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उसे प्रमुख फीचर बना देते हैं। जूम आउट पिवोट, इसमें आप महसूस करते हैं कि आपका उत्पाद बहुत संकीर्ण है, इसलिए आप इसे व्यापक फीचर्स के साथ विस्तारित करते हैं। कस्टमर सेगमेंट पिवोट, यह तब होता है जब आपको पता चलता है कि आपका उत्पाद सही है लेकिन आपने गलत ग्राहक वर्ग को लक्षित किया है। प्लेटफॉर्म पिवोट, आप एक अलग प्लेटफॉर्म का उपयोग करने का निर्णय लेते हैं, उदाहरण के तौर पर एक वेब आधारित सेवा को मोबाइल ऐप में बदलना। बिजनेस आर्किटेक्चर पिवोट, आपका बिजनेस मॉडल बदलता है, जैसे कि कम मार्जिन से उच्च मार्जिन वाले मॉडल में शिफ्ट करना। पर्सेवियर, जारी रखें। पर्सेवियर का मतलब है कि आपकी परिकल्पना सही दिशा में है और ग्राहकों को आपके उत्पाद या सेवा में रुचि है, इसलिए आप उसी रास्ते पर चलते रहते हैं और उत्पाद या सेवा को लगातार बेहतर बनाने की दिशा में काम करते हैं। पिवोट या पर्सेवियर का निर्णय कैसे लें? पिवोट या पर्सेवियर का निर्णय लेने के लिए स्टार्टअप्स को बिल्ड मेजर लर्न चक्र से प्राप्त डेटा का विश्लेषण करना पड़ता है। यह निर्णय लेने में निम्नलिखित कारक शामिल हो सकते हैं। कस्टमर फीडबैक, ग्राहकों से मिली प्रतिक्रिया यह बताती है कि आपका उत्पाद सही दिशा में जा रहा है या नहीं। यदि प्रतिक्रिया सकारात्मक है तो पर्सेवियर करें, यदि नहीं तो पिवोट करने का समय है। मेट्रिक्स और डेटा, उपयोगकर्ता जुड़ाव, एंगेजमेंट, ग्राहकों की वृद्धि दर, राजस्व और अन्य प्रमुख मेट्रिक्स पिवोट या पर्सेवियर का निर्णय लेने में मदद करते हैं। अगर ये मेट्रिक्स उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ रहे हैं तो आपको पिवोट करने की जरूरत है। विजन और उद्देश्य, यह निर्णय लेते समय आपके स्टार्टअप का मूल विजन और उद्देश्य महत्वपूर्ण होते हैं। पिवोट का मतलब यह नहीं है कि आप अपने विजन से दूर जा रहे हैं, बल्कि आप इसे अधिक सटीक और प्रभावी तरीके से हासिल करने की दिशा में काम कर रहे हैं। पिवोट या पर्सेवियर की चुनौतियां। पिवोट की चुनौतियां, पिवोट का निर्णय लेना मुश्किल हो सकता है क्योंकि इसका मतलब है कि आपको अपनी पहले की मेहनत को बदलना पड़ सकता है। यह जोखिम भरा हो सकता है और इसके लिए टीम और संसाधनों की पुनर्व्यवस्था की जरूरत होती है। पर्सेवियर की चुनौतियां, पर्सेवियर करने का मतलब यह नहीं है कि आपको आराम से चलना है। इसे सफल बनाने के लिए लगातार मेहनत, सुधार और रणनीतिक निर्णय लेने की जरूरत होती है ताकि आप प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ सकें। निष्कर्ष, पिवोट और पर्सेवियर एक महत्वपूर्ण निर्णय बिंदु है जहां स्टार्टअप्स को यह समझने की जरूरत होती है कि उनकी मौजूदा रणनीति काम कर रही है या नहीं। यदि उत्पाद ग्राहकों की जरूरतों को पूरा कर रहा है तो पर्सेवियर करना चाहिए और अगर नहीं तो पिवोट करके नई दिशा में जाना चाहिए। यह निर्णय डेटा, फीडबैक और बाजार की स्थिति पर आधारित होता है और इसे सही समय पर लेना स्टार्टअप की सफलता के लिए आवश्यक है। दोस्तों, आप सभी लोगों ने इस वीडियो को यहां तक देखा उसके लिए आपको दिल से धन्यवाद और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई है और आप लोग मेरे को कुछ मेरे चैनल से रिलेटेड कुछ फीडबैक देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो में। जब तक के लिए खुश रहो, अपने परिवार को खुश रखो। जय हिंद।